नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई खाता धारक जिसकी मौत हो जाती है और वो अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं रखता, तो इस केस में एसबीआई से उसको डिसीज क्लेम किस तरीके से मिलेगा। जब भी कोई अपने पीछे कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो अपने पीछे अपने सगे संबंधियों को, अपने डिपेंडेंट्स को छोड़ के जाता है। अब मान के चलिए कि अगर विदाउट नॉमिनी वाला कोई केस है तो इसके अंदर दो केसेस अराइज होते हैं। एक तो ये कि जितने भी जो लीगल हेयर्स हैं डिसीज के, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और उसमें किसी में नहीं बनती। तो इस केस में तो एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आएं। अगर आप में से किसी में नहीं बनती तो बैंक तो उस केस में आपका क्लेम पास करेगा नहीं। अब दूसरा केस ये आता है कि जितने भी लीगल हेयर हैं वो सब आपस में हिलमिल के रहते हैं, सबकी आपसी समझ है, सब एक दूसरे की बात सुनते हैं और वो एक मत पर आ जाते हैं। इस केस में आप डिसीज क्लेम विदाउट नॉमिनी वाला प्रक्रिया अपना सकते हैं, क्योंकि यह सुगम रहेगी। अब जब जो विदाउट नॉमिनी वाला जो केस होता है उसके अंदर क्या है, थोड़ी जटिल प्रक्रिया है और आपको कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं, जिसके अंदर देखिए मेन फॉर्म होता है क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म 4-5 पेज का फॉर्म होता है, जिसके अंदर आप जो भी डिटेल होती है क्लेम की वो सब आप लिखते हो। दूसरा होता है बंश्योरिटी, मतलब कोई एक व्यक्ति गारंटी देता है। गारंटी जनरली बैंक एक्सेप्ट करता है 5 लाख से ऊपर वाले क्लेम में, और गारंटर विदाउट नो ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, मतलब वो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं हो। लेटर ऑफ इंडेमनिटी, मतलब जो भी व्यक्ति क्लेम कर रहा है वो लेटर ऑफ इंडेमनिटी देता है कि भविष्य में कभी कोई भी चीज़ इस तरह की हुई जिसमें बैंक को परिवाद बनाया गया है, तो वो जिम्मेदार रहेगा। दूसरा लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, जितने भी लीगल हेयर्स हैं जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है उसको छोड़ के बाकी के लीगल हेयर्स लेटर ऑफ डिस्क्लेमर देते हैं कि उस व्यक्ति को पैसा दे दिया जाए और बैंक उनको कोई आपत्ति नहीं। एफिडेविट, कोई भी एक रेपुटेटेड पर्सन आपके शहर का, वो चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है, वह एफिडेविट में लिख के देता है कि वह आपके परिवार को जानता है और इतने ही मेंबर है। केवाईसी डॉक्यूमेंट, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सब की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। देखिए, अब मैं एक एक करके और डिटेल में बात करता हूँ। क्लेम फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। आप, ये एक जनरल नॉर्मल क्लेम फॉर्म है जो हर बैंक में, हर ब्रांच में एप्लीकेबल है, क्योंकि IIBF का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। श्योरिटी मतलब गारंटी मतलब यानी कि जो भी व्यक्ति गारंटी देगा वो श्योरिटी फॉर्म भरेगा और उस पर उसकी एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट भी लिखा जाएगा, क्योंकि उसकी नेटवर्थ जितनी भी जो आपका जो क्लेम अमाउंट है उससे दुगनी होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेटर ऑफ इंडेमनिटी, जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है लीगल हेयर्स में वो लेटर ऑफ इंडेमनिटी देता है। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, जो लीगल हेयर्स में जो क्लेम कर रहा है उसके अलावा जितने भी लीगल हेयर हैं वो लेटर ऑफ डिस्क्लेमर पे साइन करके देंगे कि उनको कोई आपत्ति नहीं है इस व्यक्ति पर जो क्लेम कर रहा है। एफिडेविट, कोई भी रेपुटेटेड पर्सन आपके शहर का, सरपंच, हेडमास्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर, जो कि बैंक को एक्सेप्टेबल हो, उससे आप एफिडेविट बना के दे सकते हैं। स्टाम्प, देखिए हर स्टेट में अलग अलग स्टाम्प लगते हैं। आपकी स्टेट में जो भी स्टाम्प लॉ के अंदर जो भी एप्लीकेबल चार्जेस हैं वो आपको पेमेंट करने होंगे, उतने के स्टाम्प आपको हर पेपर पर लगाने होंगे। हर के जो भी सर्टिफिकेट या एफिडेविट आप दे रहे हो उस पर स्टाम्प होगा। अब मैं एक केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। मान के चलिए, बिल्कुल गौर से देखिएगा, क्योंकि ये केस स्टडी अगर आपने गौर से देख ली तो आप वो फॉर्म बड़ी आसानी से भर पाएंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करिएगा। देखिए, मान के चलिए महेश गुप्ता जी एक्सपायर हो गए। अब महेश गुप्ता जी जो एक्सपायर हो गए वो अपने साथ बाद में दो बेटों को छोड़ के गए जो उनके लीगल हेयर हैं, रमेश गुप्ता और सोनू गुप्ता। ठीक है, अब पर्सन क्लेमिंग में, यानी कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है बैंक में वो है रमेश गुप्ता, एक बेटा। श्योरिटी मांगीलाल जी दे रहे हैं जो कि वहाँ के कोई बिजनेसमैन है। एफिडेविट मोहनलाल जी दे रहे हैं जो सरपंच हैं, मान के चलिए अगर ये शिवगंज के रहने वाले हैं तो शिवगंज के सरपंच हैं।
क्लेम अमाउंट इनका 2,12,000 है। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि अब मैं जो आगे बताऊंगा कि कौन क्या देगा तभी आपको थोड़ा वो रहेगा। देखिए लेटर ऑफ डिस्क्लेमर देंगे सोनू गुप्ता जी, मतलब वो अपना क्लेम छोड़ रहे हैं। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर वो रमेश गुप्ता जी के लिए देंगे कि रमेश गुप्ता जी को पैसा दे दिए। इंडेमनिटी बॉन्ड रमेश गुप्ता जी बनेंगे जो क्लेम ले रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी या किसी भी तरह बैंक को लॉस हुआ तो वो जिम्मेदार रहेंगे। एफाडेविट मोहनलाल जी दे रहे हैं जो कि सरपंच है उस सिटी के। श्योरिटी मांगीलाल जी दे रहे हैं जो कि एक बिजनेस क्लास है जिनकी नेटवर्थ 2,12,000 जो कि क्लेम अमाउंट है उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल गौर से देखिए, क्योंकि इसमें बड़ा डाउट होता है कि लेटर ऑफ डिस्क्लेमर कौन देगा, लेटर ऑफ इंडेमनिटी कौन देगा, श्योरिटी किसकी लें। श्योरिटी में आपका ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करें या व्हाट्सअप करें, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। अब आप ये जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है उसकी पासबुक लगेगी, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो चाहे डिस्क्लेमर दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, सरपंच, सबकी KYC डॉक्यूमेंट आपको लगा रहे हो। KYC डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड की कॉपी सफिशिएंट है। अगर सिर्फ आप आधार कार्ड की कॉपी लगा देंगे तो वो भी सफिशिएंट है, उससे भी आपको क्लेम मिल जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये भी बताया है कि इसका फॉर्म डिटेल में भर के भी बताया है, आप जो ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने एक एक फॉर्म भर के बताया है कि कैसे भरना है। आपको ना किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत, ना किसी के पास जाने, घर बैठ के ही आप वो पूरा का पूरा फॉर्म भर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर डिसीज़ क्लेम में कोई भी दिक्कत आए कमेंट्स बॉक्स में करें प्लीज़। ये वीडियो आप जितना हो सके व्हाट्सएप पे शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो परेशान रहते हैं कि हम डिसीज़ क्लेम कैसे करें, कैसे फॉर्म भरें, और इस चक्कर में उनका काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। तो हो सकता है आप किसी की मदद करें इस वीडियो को शेयर करके, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। थैंक यू फ्रेंड।